नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूं। पेश है आज के मुख्य समाचार। श्री आनंदपुर साहिब जी के स्थापना दिवस पर जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने संगत को शामिल होने की अपील। शाल फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का माल हुआ राख। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब का मनाया गया स्थापना दिवस। अब खबरें विस्तार से। पंजाब सरकार से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से 17, 18, 19 तारीख को श्री आनंदपुर साहिब जी के 350वें स्थापना दिवस की समूची कौम को बधाई देते हुए जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब यानी गुरबचन सिंह ने इस दिवस पर होने वाले समागम में बढ़ चढ़ कर शामिल होने की संगत को अपील की और समागम के दौरान सेवा निभाने की भी अपील की। उन्होंने इस दिवस को मनाने पर कमेटी और पंजाब सरकार का धन्यवाद किया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब वालों श्रोमणी अकाली दल पंजाब सरकार दे सहयोग दे नाल समुचिया धार्मिक जथेबंदियां दे सहयोग दे नाल श्री आनंदपुर साहिब दे 350 साल स्थापना दिवस नूं मनाउण दे वास्ते बहुत वड्डे उपराले कीते गए हन। इस 17, 18, 19 जून 3 दिन उत्थे महान गुरमत समागम हो रहे ने। ये आनंदपुर साहिब की सिरजना सिख इतिहास का गौरवमयी विस्ता विरसा है। ये सिख पंथ का वह महान केंद्र है जिस दे जर्रे जर्रे विच श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, चार साहिबजादे, पंज प्यारे बेअंत सिंघां दे चरण छो प्राप्त है। इत्थे ही गुरु जी ने महान क्रांतिकारी अलौकिक खेड रचा के खालसे की साजना की और इस नगरी नूं सिख इतिहास के फलसफे विच इलाही विलक्षण ते सिरमौर दर्जा बख्श दिता। अज इस महान पवित्र नगरी का नाम पूरे विश्व दे विच प्रसिद्ध है। इसलिए देश विदेश तो बहुत वड्डी गिनती विच संगतां इत्थे पहुँच रही हैं। अरदास वालों भी संगतां नूं सिनेमर बेनती है कि संगतां इह तिन्ने दिन वध तों वध पहुँच के अपनियां हाजरियां लवाउण, गुरु कीआं खुशियां प्राप्त करन और जो पंजाब सरकार दे वालों एक विशेष उपराला करके गुरु साहिबाना दे पावन पवित्र इतिहासक शस्त्र ते वस्त्र संगतां नूं दर्शन करवाए जा रहे ने, वह भी 18 तरीक नूं उत्थे पहुँच रहे ने। 18 तरीक नूं अमृत वेले कीरतपुर साहिब तों चल के श्री आनंदपुर साहिब विखे समाप्ति होवेगी। आप संगतां भी वध तों वध शामिल हो के और प्रबंधां विच जो भी आप जी योग मदद कर सकते हो, प्रबंधां विच सहायता कर सकते हो, रहायश दे संबंध विच, लंगर दे संबंध विच, वह भी आप जरूर अपना योगदान पाओ और ये 350 साल स्थापना दिवस ते आल वर्ल्ड दी सिख संगत नूं नानक नाम लेवा संगतां नूं सारे सिंह साहिबानां दे वल्लों प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जथेदार अवतार सिंह जी वल्लों बहुत बहुत वधाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अमृतसर के व्हाइट एवेन्यू में श्री सुरेंद्र दुग्गल के केमिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन बनने पर उन्हें बधाई देने के लिए पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी और श्री राकेश मिंटू विशेष तौर पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने व्हाइट एवेन्यू एसोसिएशन के सभी मेंबर्स के साथ इलाके की मुश्किलों के बारे में मीटिंग की और उनकी मुश्किलों के बारे में जाना। इस मौके पर भाजपा के महामंत्री श्री सुरेंद्र शर्मा, श्री एमएस बाजवा, डॉक्टर केपी सिंह, केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान राजेश सोई, अमृतपाल सिंह आदि उपस्थित थे। मेरे वड्डे भाजी श्री सुरेंद्र दुग्गल जी जेड़े पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान बने ने, ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन के ज्वाइंट सैकटरी बने हैं, उन्होंने बधाई देन उन्होंने घर आया। तो व्हाइट एवेन्यू के इन्होंने सारी कम्युनिटी व्हाइट एवेन्यू के सारे रेजिडेंट इत्थे बुलाए आ, जिन्हां ने सारे ने इन्हों बधाई दी है। नाल ही ये अपना फार्मेसी कौंसल पंजाब के वाइस चेयरमैन भी है। तो अपना काम जिहड़ा वा जदों दे भी ये
कैमिस्ट एसोसीएशन की राजनीति च आए हैं। इन्होंने पूरे पंजाब के कैमिस्ट दी समस्यावां हल करन दे विच अपना पूरा योगदान दिता। अपना काम छड के भी ये अपनी कम्यूनिटी के काम वास्ते हमेशा खड़े रहे हैं। इन्होंने हमेशा उन्होंने स्टैंड लिया तो बहुत सुधार जोड़े आ इस लाइन के इस प्रोफेसन इस व्यापार के इन्होंने लेंदे आ। बाकी मैं इन्हों का छोटा भाई हाँ जो ये हुक्म करते असी भी उनका फुल चढ़ाने। मेरे नाल सुरेंद्र शर्मा जी बैठे आ जिहड़े कैम अपना फार्मेसी कौंसल पंजाब के चेयरमैन ने नाल भी कैमिस्ट एसोसीएशन के नाल जुड़े आ। बाकी सारे भी अहुदेदार इन्हों आए आ। सब नूं मैं बहुत बहुत मुबारक देना कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया जिहड़ा इन्होंने पूरे पंजाब की फिर दोबारा सेवा दिती है। तो इन्हां ये भी आशा करदा कि होर ज़्यादा एनर्जी दे नाल अपने व्यापार का अपनी कम्यूनिटी का तो पंजाब की सेवा करनगे। पहले तो सारे ही पंजाब के कैमिस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने कि मैं 92% वोट दे के मैं पंजाब का जनरल सैकटरी चुनिया है। और अज श्री अनिल जोशी जी मैं परसनली मुबारकबाद देने मेरे निवास स्थान पर आए हैं। मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। अपने सारी वाइट एवन्यू के सारे रेजिडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद जेडे मेरे एक सुने तो मेरे घर इकट्ठे हुए हैं। मेरे सारे ही अमृतसर के कैमिस्ट वीर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे मैं विश्वास दवाता हाँ कि जड़िया मेरे तो उन्होंने आशावान ने कैमिस्ट वीर मैं हर वक्त उन्होंने नाल खड़ा सी अज भी खड़ा और सदा खड़ा रहा। अमृतसर के घी मंडी इलाके में स्थित एक शाल फैक्ट्री में सुबह अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया जिससे फैक्ट्री में पड़ा लाखों रुपए का माल राख हो गया। इस संबंध में फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि फैक्ट्री में काफी अधिक मात्रा में कच्चा माल और तैयार शाल थी। आग के कारण उनका पूरा माल जलकर राख हो गया। उनके मुताबिक नुकसान कितना हुआ है इस बारे में वे अभी कुछ नहीं बता सकते। आग लगने की सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गई, लेकिन आग काफी अधिक थी जिस कारण करीब 2 घंटों के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। मेरा नाम राजेश कुमार है। इतने 6:15 मतलब कहते अग लगी है। मैं 6:45 घर से मैनू फोन आया कि दोबारा फैक्ट्री अग लग चुकी है। जिनी देर तक मैं फायर ब्रिगेड की गड्डी भी देखी उपर पटिया इतने पहुँच चुकी हैं पर जो आया तो देखते काबू पाते पे ही अग बिल्कुल ही सारा कुछ ही अंदर खत्म हो गया। एक यह शॉल की फैक्ट्री ही शॉल प्रोसैसिंग यूनिट सी पर पता ही नहीं लगा कि अग लगी किसने पर अंदर सारा बिल्कुल तबाह हो गया। पता नहीं लगा लिया किसान अंदाजा कुछ कह नहीं सकते हाले तक। इन्ना कुछ ज्यादा माल पिया क्योंकि सीजन सी इस वे स्टार्ट से सब कुछ है माल इन्ना कुछ ज्यादा अंदर पिया पता ही नहीं लगा हाले तक। कारण की हम देखा हाले थोड़े सामने ही है जो कार्रवाई होंगी भी है जिस तरह अग गड्डिया आगू पाते भी है थोड़े सामने अंदाया अपने थानू ही लग सकता कि किन्ना कुछ माल होगा जिन्नी माल का बहुत नुकसान है। फायर स्टेशन सलाह मिली है ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ 6-7 ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਤੇ 6-7 ਗੱਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ 9 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਟੋਟਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅੱਗ ਪੁੱਜੇ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰਨ ਗਈਆਂ। आज अमृतसर में श्री रितेश शर्मा की अध्यक्षता में वार्ड नंबर 7 गंडा सिंह वाला मजीठा रोड अमृतसर में 33वां मानसिक राशन वितरण समारोह किया गया। इसमें 101 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया गया। इस समारोह में श्री रितेश शर्मा ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि बेसहारा लोगों की सेवा ही सच्ची सेवा है। जब हम सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे अंदर मौजूद काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि अवगुण स्वयं समाप्त हो जाते हैं। इस अवसर पर विपिन शर्मा इंद्रजीत शर्मा राजीव शर्मा सरपंच सुखराज जी राजेश दोगरा और शिवम विशिष्ट आदि उपस्थित थे। वार्ड नंबर 7 च गंडा सिंह वाले विखे 33वां राशन वितरण समारोह किया। इस समारोह च असीं ही तकरीबन 100 परिवारों नूं राशन दिता। ये वो परिवार ने जिहड़े जरूरतमंद परिवार ने। ये परिवारों की गिनती हर महीने वधदी जा रही है। तकरीबन साढ़े को 700-800 परिवार ने जिहड़े इस महीने विच साढ़े नाल जिन्हां ने राबता कायम किया भी उन्हां नूं राशन चाहिए। ये एक बड़ी ही चिंताजनक गल है भी ये तादाद वधदी जा रही है।
मैं इस सरकार नूं अपील करांगा कि वो इहो जे परिवारां दी मदद वास्ते अगे आवे, बच्चों नशियां विच्चों कढ़न तां जो ये नौजवान बच्चे अपने परिवारां दा भार आप चुक सकन। सरकार दा काम आ, ये समाज सेवी संस्थावां ने जिहड़े ये काम कर रहियां ने। मैं बाकी समाज सेवी संस्थावां नूं भी अपील करांगा कि वह वध चढ़ के नशियां दे खिलाफ एक मुहिम छेड़न तां जो ये परिवार ये बच्चे एक चंगे समाज की सिरजना कर सकन। बीते दिन अमृतसर में भी NRMU के उम्मीदवारों ने 8 में से 7 सीटों पर विजय हासिल की थी और इसके बाद NRMU के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर जश्न मनाया, जिस दौरान एक समर्थक की ओर से हवा में गोलियां चलाई गई, लेकिन GRPF या RPF की ओर से इस संबंध में कोई केस दर्ज नहीं किया गया। लेकिन जब हमारी टीम ने ये स्टोरी चलाई थी, उसके बाद GRPF ने कार्रवाई करते उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और GRPF के अधिकारी धर्मेंद्र कल्याण ने बताया कि हमें इस मामले में कुछ पता नहीं था। कल रेलवे स्टेशन अमृतसर में URMU और NRMU के जो सोसाइटी के इलेक्शन हुए हैं, उसमें NRMU को जीत हासिल हुई थी, जिसकी NRMU नेताओं और वर्करों ने खुशी मनाई थी। ये और वीडियो क्लिप देख के पता चला है कि NRMU के एक नेता ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी पिस्टल से हवाई फायर किए थे, जिसके खिलाफ़ जो 336 IPC के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जो है शुरू कर दी गई। NRMU के नेता द्वारा जो ये हवाई फायर हुआ था, उससे पब्लिक के किसी भी व्यक्ति को जानी नुकसान हो सकता था। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस GRP में ये पर्चा दर्ज किया गया, धारा 336 IPC के तहत। कादियां के मोबाइल कंपनीज अपने स्वार्थ के लिए लोगों का जीवन दांव पर लगाने का गुरेज नहीं करती। ऐसे ही कई टावर जो कि पब्लिक प्लेस पर लगाए जाते हैं, जिनके कारण कई बार ये टावर बड़े हादसों का कारण बन रहे हैं। ऐसी घटना आज कादियां की सब्जी मंडी में पड़ते मार्केट की छत पर लगे टेल कंपनी का टावर जो कि तेज आंधी के आने के कारण गिर गया। टावर के गिरने के कारण कोई भी जान माल नुकसान नहीं हुआ है, पर शहर के लोगों की सरकार से मांग है कि ऐसे टावर व पब्लिक प्लेस पर मत लगाएं, शहर के बाहर लगाएं ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। ए भाजी, जदों नेरी आई है ना, जोरदार नेरी ते आई थोड़ा चिरिया ते उदों ये ठा करदा जा पे। नुकसान ते जी मतलब जे थले बंदे हुंदे ते को एक दिन दा हो जाना सी, बंदे खुदा दे फजलना मतलब सब्जी लाउण डे बंदे इत्थे नहीं सी। साडी ते बेनती एहो ही आ कि ये बार बार ही लगने चाहिए, घरां दे विच नुकसान बड़ा हो सकदा। नौजवान सेवक सभा मेडिकल इनक्लेव की तरफ से मां भगवती का पहला सालाना जागरण बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ करवाया गया। इस मौके पर शहर की मशहूर भजन मंडलियों ने मां की महिमा के गुणगान किए और अटूट लंगर लगाए गए। जागरण में पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी और श्री राकेश मिंटू पार्षद प्रभजोत सिंह रटौल विशेष तौर से उपस्थित हुए और महामई का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर जागरण कमेटी के प्रधान नरेंद्र विजय कुमार आदि ने उन्हें सरोपा तथा शील्ड देकर सम्मानित किया। इस मौके पर रोहित, मोहित, मनोज, गोपाल, राहुल, राणा हेल्थ क्लब आदि उपस्थित थे। महामारी के दर्शन कर रही ने हेलो सब छोड़ वास्ते आए महामारी की कृपा जगह जी है जिथे किसी वे थोड़े चेर पहला गंदगी गंदा नाला सारे शहर का गंदा पानी आले दुआले रहने वाले लोगों को मुश्किल पेश करता से। अज उस जगह पर जिते कभी मैं सोचा नहीं होगा महामारी की कृपा के नाल महामारी का दरबार लगा, महामारी का जोत जग रही है, तो सब बड़ी खुशी के नाल। श्री गुरु रामदास साहिब की तरफ से वरोसाई पावन पवित्र पर ऐतिहासिक नगरी श्री अमृतसर के स्थापना दिवस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब और संगतों के सहयोग के साथ गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हाल में मनाया गया।
12 जून शुक्रवार सुबह से रखे श्री अखंड पाठ साहिब के भोग 14 जून रविवार को डाले गए। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के हजूरी रागी भाई करनैल सिंह के जत्थे ने इलाही बाणी के कीर्तन के साथ संगत को निहाल किया। अरदास भाई सुल्तान सिंह ने की और हुक्मनामा सिंह साहिब ज्ञानी रघुबीर सिंह ग्रंथी सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब ने किया। भाई साहब भाई गुरदास जी का कथन है कि मारिया सिक्का जगत में नानक निर्मल पंथ चलाया। उस नानक निर्मल पंथ के विस्तार के लिए प्रचार प्रसार के लिए पहला सब तो पहला गुरु नानक साहब महाराज ने करतारपुर का नगर वसाया, जिस बारे गुरबाणी से कहा गया कि करतारपुर करता वसे। फिर दूसरे गुरु साहबान, तीसरे गुरु साहबान, चौथे गुरु साहबान ने अपने अपने समय से नगर का निर्माण कार्य करवाया, नवे शहर का कार्य करवाया। जिमें गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहब तो गुरु रामदास पातशाह ने श्री अमृतसर साहब का पवित्र तीर्थ जड़ा सी उसकी स्थापना की। अज श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, धर्म प्रचार कमेटी वालों, तो दरबार साहब वालों रल मिल के श्री अमृतसर साहब का स्थापना दिवस जथेदार अवतार सिंह प्रधान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के निर्देशों अनुसार मनाया गया। अमृतसर शहर का बहुत वड्डी महत्ता, यह संसार दे विच पहला धार्मिक स्थान है जिन्हों गुरु साहबान जी ने आप स्थापित किया। तो ये बारे गुरबाणी दे विच भी हवाले बहुत मिलते हैं कि अमृतसर सतगुर सतवाती जित नाते कौआ हंस होवे, जां वसदी सगन पार अनूप रामदासपुर। इहनूं गुरु रामदास जी ने जमीन खरीद के सिख गुरु साहबान ने जिथे जिथे भी शहर वसाए उन्हां जगह खरीद के ते नवें शहरां दा निर्माण कराया। अमृतसर साहब दा सरोवर जिहड़ा सी ओह गुरु रामदास पातशाह दे वेले स्थापित हो चुका सी। यही कारण है कि अरदास दे विच वी हर सिख सवेरे शाम श्री अमृतसर जी दे इशनान दी जाचना करदा वा। तो अज श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समुचियां सिख संगतां दे सहयोग नाल अमृतसर साहब दा स्थापना दिवस मंजी साहब दीवान हाल विच मनाया गया। गुरु रामदास पातशाह कृपा करे ये पवित्र शहर, ये पवित्र इतिहासक कस्बा जुगो जुग अटल रहे। मैं इस समय ते जिथे आज अमृतसर के टाउन हॉल में CPS श्री इंद्रबीर सिंह बुलारिया ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक साल की कार्यकारिणी के दौरान किए गए कामों की प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंचे तथा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो काम किए गए हैं जैसे जनधन योजना, अटल बीमा योजना तथा कई और इस तरह के काम जो आम जनता के हक के लिए बहुत लाभकारी हैं, इसी की शलाघा करते उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद किया तथा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए कामों से लोगों को जागरूक करने के लिए कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां हर गली मोहल्ले और शहरों में लगानी चाहिए ताकि इस सरकार की नीतियों को जनता से जागरूक करवाया जा सके। इस मौके पर बच्चों की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया गया। मुझे तो इसमें कुछ नहीं कहना, लेकिन जो समाचार पत्रों में दिल्ली से समाचार आया है कि सारी सुरक्षा एजेंसियों ने विरोध किया है और शब्द ये कहे हैं कि बादल सरकार आग से खेल रही है, तो क्या जरूरी है पंजाब में कोई आग लगाई जाए? वो तिहाड़ जेल में था, अपराध दिल्ली में किया था, तो उसको वहां रहने देते। अगर वो बीमार हैं तो इलाज होना चाहिए। बीमार है तो क्या दिल्ली, अमृतसर से लोग दिल्ली में इलाज करवाने जाते हैं, उनको यहाँ क्यों लाया गया? और भी यहाँ लाके जो VIP ट्रीटमेंट दिया गया, मैंने यही कहा है कि इस बीमारी वाले बहुत सारे लोग अमृतसर जेल में भी होंगे, किसी और जेल में भी होंगे, या तो सभी ऐसी बीमारियों वाले लोगों को एक ही जगह रखा जाए। केवल इसको रखा गया है, AC कमरा भी दिया गया है और LCD लगा के दी गई है, भोजन सुविधा है, मिलने वालों की सुविधा है। मुझे लगता है कि सरकारी दाल में बहुत कुछ काला है, ये केवल इसको लाए नहीं, शायद इसके बाद अगली तैयारी भी मन ही मन कर रखी हो।
अकाली दल कहीं ना कहीं पंथक कार्ड खेलने जा रहा है। देखो मुझे लगता है कि ये अभी से ये कुछ करके शायद उन लोगों का अपने पक्ष में समर्थन करेंगे जिनको ये गरम ख्याली कहते हैं। वो गरम ख्याली होते तो कोई बात नहीं थी, वो अलगाववादी हैं, वो आतंकवादी हैं। उनको खुश करने के लिए, मतलब बाकी पंजाब की सारी जनता को नाराज करने के लिए। पंजाब में प्रश्न हिंदू सिख का नहीं है, पंजाब में प्रश्न आतंकवाद के समर्थकों का और आतंकवाद के विरोधियों का है। तो जो जनता आतंकवाद से त्रस्त है, आखिर 30,000 लोग, जो 4,000 आतंकवादी भी मरे गए, वो भी तो मरे बैठे हैं ना, उनको क्यों आतंकवाद में ले गए ये लोग, उसके लिए भी नेता लोग जिम्मेवार हैं। तो अब ये पंजाब पर तरस करें बादल सरकार और पंजाब को ऐसी किसी गर्म हवा से बचाए जो पंजाब की जिंदगी, पंजाब की संपदा, पंजाब की इज्जत पर धब्बा बन रही है। ये भी छोड़ेंगे, एक गुरदीप सिंह कर्नाटक से भी लाया जा रहा है। सवाल तो ये, अगर भुल्लर आ सकता तो बाकी क्यों नहीं। गुरदीप के जो बीदर जेल कर्नाटक में बंद है, उसके भी ऑर्डर हो गए हैं पंजाब में लाने के। यहाँ लाने का मतलब ही है, अब सुप्रीम कोर्ट का काम है। अगर इनको फांसी की सजा हुई है, अभी फांसी देनी नहीं, ये भी अदालत का फैसला है, तो जिस तरह इस तरह की सजा प्राप्त किए बाकी कैदियों से व्यवहार होता है, वैसा होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही चंगी प्रदर्शनी है। एक साल हो गया सेंटर दे विच एनडीए सरकार बनी नूं, और मैं समझदा कि बहुत ही वधिया उपराले भारत सरकार ने कीते ने और लोगों तक पहुँचाए भी ने, और लोगों तक होर चंगे तरीके दे नाल पहुँच सकन। जिहड़ियां प्रदर्शनी अज लाई गई है श्री अमृतसर साहब विखे, मेरा ख्याल पूरे हिंदुस्तान दे विच सारे ही हेडक्वार्टर्स विखे अजिही प्रदर्शनी ला के लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि लोगों को स्कीमों नाल जोड़िया जा सके और लोग बेहतर तरीके दे नाल इन्हां स्कीमों तो फायदा लै सकन। यह कोशिश है, उपराला है, और मैं समझदा कि यह अपनी कोशिश कामयाब हुए ने। कादियां के तकनीकी शिक्षा पंजाब बोर्ड के चेयरमैन श्री सेवा सिंह सेखवां के गृह में यूथ विंग की मीटिंग करवाई गई। मीटिंग की रहनुमाई करते हुए एडवोकेट जगरूप सिंह सेखवां ने मीटिंग के दौरान हुए भारी इकट्ठ को संबोधित करते कहा कि 17 तारीख को कादियां के असेंबली हलके में हमारे यूथ विंग के प्रधान सरदार इंद्रबीर सिंह बुलारिया जी आ रहे हैं, उसी संबंध में आज हलके के सीनियर आगू और यूथ वर्कर की मीटिंग की गई। साथ ही बताया कि हम ज्यादा से ज्यादा 250-300 लड़के लेकर शहर धारीवल से आएंगे। आज असी 17 तरीक नू कादियां असेंबली हलके च साढ़े यूथ विंग के पाजे के प्रधान इंद्रबीर सिंह बुलारिया जी आ रहे हैं, उदे संबंध च असी सारे हलके के सीनियर आगू ते यूथ के वर्करा की मीटिंग की है, तो सारे नू लामबंद किया। तो असी एम रख्या कि 5,000 मुंडे का कट उस दिन असी इतने करिए, 500 मोटरसाइकिल के नाल उन्होंने हल्के च रिसीव करके गर्मजोशी के नाल उन्हों का इतने हल्के ते आने स्वागत किया जाएगा। तो बहुत वधिया ढंग नाल प्रोग्राम जिहड़ा यूथ अकाली दल की भर्ती की मुहिम का शुरू हो रहा वो इतने करवाया जाए। ये बच्चे यूथ अकाली दल च नौजवान भर्ती होणगे, उन्हां दी आईडी जरूर नाल लगेगी, कोई ना कोई आइडेंटिटी प्रूफ जिहड़ा जरूर नाल लगेगा। तो पिंडां च मशीनां जाणगियां, जिद्दां असी अपने आप कार्ड बनाए ने, आधार कार्ड बने, उस तरह ही साड़ियां टीमां पिंडां च जाणगियां, उन्हां दियां फोटो खिंच के मौके ते उन्हां नूं स्मार्ट कार्ड जिहड़ा वा यूथ अकाली दल दा उह बना के दित्ता जाएगा, तो उन्हां दी आईडी नाल लगेगी। मैं कुलबीर सिंह रियाड सहरी प्रधान यूथ अकाली दल धारीवाल तो, अज जो जथेदार जगरूप सिंह सेखवां की अगुवाई हेठ अज की मीटिंग रखी गई है, ये इंद्रबीर सिंह बुलारिया जो 17 तरीक न हलका कादियां विच आ रहे हैं, उन्होंने स्वागत वास्ते एक यूथ अकाली दल की भर्ती करने वास्ते समुचे हल्के चो जो नौजवान मोल पर सिर कढ़ जुझारू वर्कर से उन्होंने अज मीटिंग सदी गई आ। सारे दतारा तरीक के संबंध के ड्यूटियां लगाई गई कि सारे ही वध चढ़ के नौजवानों की भर्ती करके, तो नौजवान साफ सुथरे अक्स वाल भर्ती करके यूथ अकाली दल जोड़िया जाए, तो अकाली दल के हाथ मजबूत किए जा। असी वो तो ढाई 300 मुंडा लैके कम से कम अं अपने शहर धारीवाल के अपन वार्डा तो प्रधान साहब के सहयोग न एमसीआ के सहयोग के अपने इलाके की टीम के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जथेदार अवतार सिंह मक्कड़ की तरफ से दिए गए निर्देशों पर जम्मू वासी सरदार जसजीत सिंह के निमित्त रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए और इस पर जसजीत सिंह के पारिवारिक मेंबर्स को 5,00,000 रुपए का चेक भेंट किया गया। इस मौके पर कमेटी के सचिव डॉक्टर रूप सिंह ने कहा कि जम्मू पुलिस ने
सरदार जसजीत सिंह को जानबूझकर शहीद किया है। अगर वह सूझबूझ से काम लेते तो उनकी जान बच सकती थी। इस पर डॉक्टर रूप सिंह ने कहा कि प्रधान साहिब का आदेश है कि सरदार जसजीत सिंह के परिवार का कोई मेंबर सर्विस करनी चाहता है ताकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसको योग्यता के आधार पर सर्विस दे सके। पिछले दिनी 3 जून नूं जम्मू कश्मीर दे विच पुलिस की गोली नाल भाई जसजीत सिंह जी जिहड़े सी ओह काल पुरख नूं प्यारे हो गए। उन्हां दी याद दे विच जिहड़ा अखंड पाठ साहिब रख्या सी उस भोग समागम समय जथेदार अवतार सिंह प्रधान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सानू उत्थे जाण दा मौका मिलिया ते जथेदार अवतार सिंह प्रधान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ही संगतां नाल विचार भी सांझे कीते गए। इस समय ते जम्मू कश्मीर के सिखां नाल हमदर्दी प्रगट करदे आं असीं अफसोस का इजहार कराया क्योंकि भाई जसजीत सिंह नूं सामने गोली मार के शहीद किया गया सी। उस समय लई जथेदार अवतार सिंह प्रधान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मिले निर्देशों अनुसार 5 लाख की सहायता राशि जिहड़ी आ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 50,000 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰੋਂ ਪਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਕੀ ਅਪੀਲ। ਸ਼ਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇ ਲਗੀ ਆਗ, ਲਾਖੋਂ ਕਾ ਮਾਲ ਹੁਆ ਰਾਖ। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब का मनाया गया स्थापना दिवस। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।